दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिए गए बयान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हिंदू जागरण मंच ने केजरीवाल के 6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश की मंडी में प्रस्तावित रैली का विरोध करने की बात कही है। बिलासपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि वो किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल की रैली नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल द्वारा फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर की गई टिप्पणी का वो विरोध करते हैं। उनके द्वारा की गई टिप्पणी से कश्मीरी पंडित सहित हिंदू समाज पूरी तरह से आहत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने टीका टिप्पणी की है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो हिंदू समाज के पूरी तरह से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है अगर वो सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगे अन्यथा उनका बहिष्कार किया जाएगा। हमें कहना चाहते हैं कि केजरीवाल के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। जब तक केजरीवाल इस विषय के ऊपर अपने शब्दों को वापस नहीं लेते और संपूर्ण हिंदू समाज से जो उन्होंने हमारी भावनाएं आहत की हैं उसके लिए वे सार्वजनिक क्षमा याचना नहीं करते, तब तक हिंदू जागरण मंच और संपूर्ण हिंदू समाज अरविंद केजरीवाल का बहिष्कार करेगा, उनका विरोध करेगा और उनका कोई भी कार्यक्रम देवभूमि हिमाचल में नहीं होने दिया जाएगा। और हमारे समाज ने इसकी तैयारी की है। हम बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग राजनीति करें परंतु जिस प्रकार का तुष्टिकरण, जिस प्रकार का हिंदुओं के साथ वैमनस्य और हिंदू विरोध की राजनीति करते हुए वो लोग अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका उन्हें उसी भाषा में प्रत्युत्तर दिया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी हिंदू जागरण मंच ने कर रखी है। वहीं कमल गौतम ने कहा कि 6 अप्रैल को मंडी में प्रदेश भर में हिंदू जागरण मंच के 2000 कार्यकर्ता एकत्रित होने जा रहे हैं। मंडी की सड़कों पर उतरकर हिंदू जागरण मंच पूरा जोर विरोध करेगा और काले झंडे व पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ रैली को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।